टीवी सीरियल अनुपमा में जल्द ही 15 साल का लीप आने वाला है। इसी लीप के चलते कई बड़े एक्टर्स स्टार प्लस के नंबर वन शो को अलविदा कह रहे हैं। इस तरह पुराने एक्टर्स इस शो को छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूपाली गांगुली के टीवी शो में एक नए एक्टर की एंट्री हो रही है। हालांकि 15 साल की लीप के बाद भी इस सीरियल की कहानी अनुपमा के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। हाल ही में अनुपमा की ऑन स्क्रीन बहू डिम्पल का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस निशी सक्सेना ने भी इस शो को छोड़ दिया। निशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया और फैंस के साथ ये जानकारी शेयर की। निशा पिछले 2 सालों से इस शो के साथ जुड़ी हुई थी। अपने वीडियो के कैप्शन में निशा ने लिखा, 2 साल के शानदार सफर के बाद अब डिम्पल को अलविदा कहने का समय आ गया है। इस सफर ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस एक ही किरदार को निभाते समय इसके कई फ्लेवर्स मैंने चखे। बतौर एक एक्टर इंसान मैंने इस किरदार से बहुत कुछ सीखा। ये मेरे किरदार का पहला बड़ा ब्रेक था और इस किरदार के साथ जिए हुए हर पल के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। निशी ने अपने पोस्ट में निर्माता राजन शाही और स्टार प्लस को भी थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे भारत के नंबर वन टीवी शो में काम करने का मौका दिया, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे साथ काम करने वाले सभी कलाकारों का भी धन्यवाद दिल से। ये सभी ने मुझे प्यार दिया और परिवार की तरह ट्रीट किया। सिर्फ निशी सक्सेना ही नहीं बल्कि वनराज का किरदार निभाने वाले सुधांशु पांडे और काव्या का किरदार निभाने वाली मदालसा शर्मा के साथ चांदनी भगवानी, निधि शाह और भटनागर जैसे अनुपमा के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कई कलाकारों ने लीप की वजह से शो को अलविदा कह दिया।